फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का पांचवा नंबर सवाल। इससे पहले वाला सवाल आप लोग नहीं देखे थे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहां पर देखते हैं, कह रहा पांचवा नंबर सवाल में, भूमि से 60 मीटर की ऊँचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। पतंग में लगा डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ डोर का जो झुकाव है, जो डोर बांधा गया है 60 डिग्री पर है, ठीक है। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हिसाब को हम लोग पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक पतंग है और ये जो है, देखिए भूमि से कह रहा 60 मीटर, यहाँ से लेकर इसका मैं बात करूँ, ये जो है 60 मीटर की ऊँचाई पर उड़ रही है, ठीक है। और कह रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगा डोर की अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया जाता है और यहाँ पे कह रहा है साथ ही डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। तो ये जो है पतंग में जो डोर लगा होता है, यहाँ से मान लीजिए ये डोर लगा हुआ है और ये डोर जो है 60 डिग्री पे झुका है और भूमि के किसी अस्थायी बिंदु से इसको जोड़ दिया जाता है। तो मान लीजिए ये क्या है, डोर है, और ये जो झुका हुआ है, ये झुका हुआ है कितना, 60 डिग्री पे झुका हुआ है और इसको ढील नहीं मानना है, इसलिए हम लोग इसको सीधी लाइन से व्यक्त कर दिए, लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको सीधे से, ज़मीन है ये वाला क्या पार्ट, ये बचा हुआ ज़मीन है, ठीक है। यहाँ पे जो पतंग है वो उड़ रहा है कितना, 60 डिग्री ऊंचाई पे, मतलब 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है और पतंग में जो डोर लगा है वो झुकाव जो है पतंग का एक अस्थायी रूप से कहीं पृथ्वी के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, वो 60 डिग्री के झुकाव पर है। तो बिल्कुल ये बात क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये जो है दिया है पार्ट, अब इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ए और बी और सी दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं त्रिभुज में क्या, लंब, और ये वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं आधार, और ये वाला हम लोग बोलते हैं कर्ण। देखिए हिसाब को फुंडोपेन समझ लीजिए, यहाँ पे कहने का मतलब हम लोग को लंब दे रखा है और कर्ण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब डोर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो डोरी जो है यहाँ पे एसी है, डोरी पतंग का डोरी क्या है, एसी है, मतलब लंब दे रखा और कर्ण ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे कहेंगे सर आधार, तो आधार से हम लोग को कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि आधार हमसे पूछा नहीं जा रहा है। तो चलिए हम इसको एक रेखा से रेखांतरित कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग समझिए। ये हम रेखा से रेखांतरित कर लिए, इसी तरह से हम लोग को ये 60 मीटर ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रहा है और डोरी का झुकाव है 60 डिग्री पे और यहाँ पे हम लोग ए बी सी इसका नाम रख दिए। तो हम लोग को निकालना क्या है, पे ए सी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या है, लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। जो दे रखा हमने पहली भी आपको इस ट्रिक के माध्यम से बताया है, यदि जो दे रखा है, जो दे रखा है उसको हम लोग नीचा देखेंगे, ठीक है, नीचे में। तो यहाँ पे देखिए नीचे में लंब यहाँ पे मिल रहा है और निकालना जो है उसको हम लोग ऊपर में देखेंगे। तो किसके रिलेशन में आ जाता है, ये संबंध में आ जाता है, कोसेक थीटा के मान में आ जाता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कहने का मतलब जो निकालना है उसको हम लोग ऊपर देखेंगे और जो हम लोग को दिया हो उसको हम लोग नीचे देखेंगे, लंब, ठीक है। तो लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है, तो सीधे से यहाँ से पता चलता है कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे का लंब। ये ट्रिक ना आप लोग समझ लीजिए, और कुछ बच्चे जो है कन्फ्यूज रह जाते हैं, भाई यहाँ पे कोसेक होगा या साइन होगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूज होना बिल्कुल नहीं है। आप लोग देख लेंगे जो पूछा जा रहा है, जो निकालने के लिए बोल रहा है वो हम लोग ऊपर देखेंगे, जो दे रखा है उसको हम लोग नीचे देखेंगे। ये ट्रिक बहुत ही काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग को यहाँ पे कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, लिख देंगे 60 डिग्री। अब कर्ण जो है, कर्ण देखिए, कर्ण है एसी, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एसी बटे, और बटे का लंब देखिए ए बी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ए बी। अभी आप लोग को कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू पता होगा, यदि नहीं पता है तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें हम आप लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को याद करने का तरीका बताए हैं।
तो यहाँ पे आप लोग को देखेंगे कोसेक 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है क्या होता है, वो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3/2, तो कोसेक उसी का उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 2/3, क्योंकि साइन की बात करें साइन 60 डिग्री का हो जाता है √3/2, ठीक है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एसी है तो एसी, एसी का मान नहीं दिया है इसलिए हम लोग एसी लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए ए बी का मान दे रखा है ना, ए बी का मान दे रखा है 60, यहाँ पर लिख देंगे बिल्कुल 60। अब हम लोग को यहाँ पे गुना कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा √3 × का ए सी, या गुना का चिन्ह दे सकते हैं, बराबर 60 × 120, ठीक है, 60 × 120। अब हम लोग यहाँ पे ए सी बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए सी बराबर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यदि हम लोग ए सी का मान निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग को ए सी जानना मतलब पतंग में जो डोर लगा है उसका लंबाई जानना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे बराबर की साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 120/√3। तो यहाँ पे जो है फाइनली आंसर नहीं निकला है, तो हम लोग को पता है जब बटे में रूट वाला संख्या आ जाए तो हम लोग उसका क्या कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 120/√3, और हर का परिमेयकरण करने का मतलब जो हर में रहे उसको हर और अंश में दोनों में गुना कर देना है, यहाँ पे हर और अंश में गुना कर दिए, यहाँ पे हो जाएगा 120√3, क्योंकि ये वाला संख्या गुना नहीं होता, बगल में लगा सकते हैं, ठीक है, रूट वाला संख्या रूट से ही गुना होगा। अब आप लोग को बहुत बार मैंने ये सवाल बता चुका, जब रूट और √3 जब गुना में आएगा, √3 × √3 जब इसका पैरेलल बन जाता है तो ये सिर्फ 3 आ जाता है बाहर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, और ये 3 में 120 से भाग देंगे तो ये 40 × 120 हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पर बात करें तो 40√3 ये आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल हम लोग को पता हो गया डोर का या डोरी का लंबाई जो होगा क्या होगा, 40√3, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर, बिल्कुल ही सही आंसर और सटीक। बस आप लोग को ये वाला याद नहीं होता है तो मैं इसके लिए बताता हूँ, जो दिया हो उसको आप लोग नीचे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लंब दे रखा है, हमको कर्ण पूछ रहा है, तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि जो नीचे में रहेगा, लंब कहाँ होना चाहिए नीचे में और कर्ण कहाँ होना चाहिए ऊपर में, तो वो वाला हम लोग मान लगा देंगे। उससे रिलेशन किस में था, यहाँ पर देखिए कोसेक में रिलेशन था, तो कोसेक वाला हम लोग फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिए, मतलब कोसेक का रिलेशन वाला फार्मूला अप्लाई किया तो ये आराम से निकल गया, बिल्कुल ये आसान तरीका, आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।